हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे अपडेटेड। वन शुड बी अपडेटेड फ्रॉम एवरी न्यूज़। सो या जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम शाइनेस एंड बी कॉन्फिडेंट बी बोल्ड। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये, एंड हाँ ये मोस्ट डिस्कसिंग टॉपिक होने भी वाली है। तो गाइस, शाइनेस है क्या? शाइनेस इज दैट आप वो काम करना चाहते हो बट आप वो काम कर नहीं पा रहे हो। आपको लाइक शर्म आ रही है कि आप कैसे दैट वो काम आप कैसे करोगे, और फिर करोगे तो लोग क्या कहेंगे। ओ गॉड, सो कॉल्ड क्वेश्चन जिसने कई लोगों की पर्सनालिटी को सप्रेस कर दिया, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। तो ये तो हो गई शाइनेस की बात। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है। स्टार्टिंग से बचपन से ग्रोन अप जब आप होते हो, फिर आपको काम करने की लाइक हैबिट नहीं होती है। आप जब वो काम करते हो, आप रियल वर्ल्ड में उतरते हो, अब आप वो काम करो कैसे जो कि आपने पहले कभी नहीं किया। आप कभी बाहर गए नहीं, आप लोगों से इंट्रैक्ट नहीं हुए, तो यहाँ से आती है द मेन शाइनेस की प्रॉब्लम। बट आपको पता है अगर आप इसे दूर नहीं करोगे टाइम रहते, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियल वर्ल्ड में जाना ही होगा, आपको रियल वर्ल्ड को फेस करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चलो फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल ओवर हुआ एंड आपको कॉलेज में तो जाने फॉर हायर स्टडीज़, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आपको सप्रेस करेगी, आपको बाहर। एंड मैंने तो सिर्फ यही रीजंस बताए हैं, आई डोंट नो कितने सारे रीजंस होंगे एक लाइक चिल्ड्रेन, एक बच्चा या फिर किसी के भी शाई होने के पीछे और अपनी पर्सनालिटी, अपनी आवाज़ को दबाने के पीछे। इट्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो, प्रॉब्लम तो हो गई, किसी भी रीज़न से हुई हो प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसे दूर कैसे करें? क्योंकि प्रॉब्लम रखने से अच्छा है कि यार उसे हटाओ। और कोई भी इंसान या फिर कोई भी एक सप्रेस पर्सनालिटी के साथ तो अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। ऑल पीपल वॉन्ट्स टू फुलफिल इट एज अर्ली एज दे कैन, राइट? सो या, तो हम इसकी सॉल्यूशन और इसकी हमने प्रॉब्लम की रीज़न तो ढूंढ ली, बट अब हमें इसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। जो कि बहुत, अगर आपने छोड़ दिया तो फिर तो कोई यार ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसे दूर कैसे करोगे। तो यार दूर करना मतलब क्या? अब आपको लोगों को फेस करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, जो कि आप सबसे ज़्यादा करने से बचते हो, है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन तो यही बन सकता है कि अब हम कॉन्फिडेंट कैसे बने, हम बोल्ड कैसे बने, हम बिल्कुल ना डरें, हम जो चाहें वो कह पाएँ। तो इसके लिए फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सपोज़ आपको या फिर मेरे को, जो कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर आपको जिस चीज़ से डर लगता है, आपको लोगों को फेस करने से डर लगता है, आपको बाहर जाने से डर लगता है, या फिर जो जिस काम में भी आप अपने आप को लाइक सोचते हो कि यार इस ये काम नहीं होगा, इसमें मैं थोड़ी सी शाई हूँ, मैं इंट्रैक्ट नहीं हो पाऊँगी, मैं बाहर का काम नहीं कर पाऊँगी, करना तो है ही, तो उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सा थिंग आपको करना है। जिस चीज़ से आप डरते हो आपको वही चीज़ करनी है। अब आप बोलोगे ये क्या, अब डर रहे तो कैसे करें? बट यार आपको करना ही पड़ेगा। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग कि आप अपने शाइनेस को कैसे दूर करो, आप बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट कैसे बनो। ये बेसिक एंड प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको बता रही हूँ। जिस चीज़ से डर लगता है वही काम करो। चलो एक बार डर लगेगा, दूसरे बार इंट्रैक्ट नहीं करो, तीसरे बार तो कर लोगे ना यार। तो उसके लिए लाइक लिटिल स्टेप्स मेक्स अ बिग थिंग, राइट? तो वो तो करना ही पड़ेगा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीसरे दिन तो हो पाएगा ना, तीसरे दिन तो आप इंट्रैक्ट करोगे ना। तो धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को, अपने उस हैबिट को आप दूर कर सकते हो कि आपसे इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, बाहर का काम नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स अ बेसिक थिंग एंड प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है? सो आपको ये, सो रीजन्स भी सबके लिए अलग अलग होंगे, प्रॉब्लम्स भी सबकी अलग अलग होंगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जिस चीज़ में भी दिक्कत है आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। लाइक वन डे नहीं, टू डे नहीं,
थर्ड डे तो आपसे होगा ना, जैसे कि स्टडीज़ में होती हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे रियल लाइफ में भी आपको वो चीज़ को फॉलो करनी ही पड़ेगी यार। बचपन से कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, सबको उनकी सिचुएशंस, किसी को उसकी सिचुएशंस बना देती हैं, कोई धीरे धीरे करके ही ऐसा बनता है। जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो चीज़ ट्राई करते रहो, डेफिनेटली वो दूर होगी। एज अ पर्सन वी कैन लाइक आई कैन ओनली हेल्प यू, आई कैन ओनली टेल यू, बट प्रॉब्लम तो आपकी है, प्रॉब्लम तो आपको ही दूर करनी पड़ेगी। वी कैन ओनली गाइड यू, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी वीडियोस पढ़े हैं, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट आई हैव टोल्ड यू द प्रैक्टिकल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई विश ये छोटी सी सॉल्यूशन आपके लाइफ को चेंज कर पाए। एंड प्लीज़ यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखो, कंटेंट देखो, लाइक कर दो यार प्लीज़। सो सपोर्ट मी प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।